दिस इज वट दिस मी वीडियो इज ऑल्सो सेइंग कि वो एक लॉटरी की टिकट देख रहा है तो फैंटेसाइज हो रहा है, वो एक बुक पढ़ के फैंटेसाइज हो रहा है कि उसको 50,000 मिलेंगे, तो ही इज़ नॉट थिंकिंग अबाउट दैट आस्ट्रिक मार्क। आपने देखा होगा कि उसने बुक पूरी पढ़ ली, उसके बाद 50,000 के जैसे ही उसने देखा 50,000 में ये जो एस्ट्रिक मार्क है, ये जस्ट लुक एट दिस, यस दिस एस्ट्रिक मार्क, इसको हम क्या कहते हैं कि कम एक सेलर जो है ये एस्ट्रिक मार्क लगा के अपने आप को सेव कर लेता है। जस्ट लुक एट द न्यूज़पेपर और न्यूज़ चैनल्स, वो कभी भी कोई कंफर्म इन्फॉर्मेशन होगी तो देंगे फुल स्टॉप के साथ, अदरवाइज दे विल यूज़ एक्सक्लामेशन मार्क या क्वेश्चन मार्क कि इज़ इट लाइक वी हैव कम टू नो फ्रॉम द रिसोर्सेज, वो नाम नहीं बताते। सिमिलरली सेलर के पास ये बहुत बड़ा हथियार है बायर को फंसाने का, एस्ट्रिक मार्क। एस्ट्रिक मार्क के नीचे जो लिखा हुआ है वो तो वो कोई पढ़ता ही नहीं है, बायर पढ़ता ही नहीं है। एस्ट्रिक मार्क के नीचे क्या लिखा था कि 50,000 ईमेल्स विल बी गिवन। सो लाइक ये पूरी जो आप पढ़ रहे हो, लुक एट दिस, रीड फेयरलेस एंड विन 50,000। एनी बायर विल अंडरस्टैंड कि विन 50,000 रुपीज़ है, प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस। अगर आप ये एस्ट्रिक मार्क देखो तो उसने कहा विन 50,000 ईमेल्स, हॉन्टेड ईमेल्स। सो नाउ प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस इज समथिंग केवियर टेम्पटर, बायर हैज़ टू सी दिस केयरफुली कॉशियसली कि ये एस्ट्रिक मार्क के नीचे क्या लाइन लिखी हुई है, लुक एट दिस, यस 50,000 हॉन्टेड ईमेल्स, एस्ट्रिक मार्क फिर दोबारा से, दिस एस्ट्रिक मार्क इज़ द एस्केपिंग राइट ऑफ द सेलर, वो इससे बच जाता है, वो कहेगा कि आपने देखा नहीं, मैंने आपको सेल किया बट आपको पढ़ना तो चाहिए था ना, मैंने ये तो नहीं कहा कि आप 50,000 जीतोगे, मैंने ये कहा 50,000 ईमेल्स जीतोगे, प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस। सोमा दिस इज समथिंग वेरी प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट, वी एज ए बायर आर टेंड टू मेक मिस्टेक्स, कई बार आप देखिएगा जस्ट अंडरस्टैंड फ्रॉम लास्ट 3 मंथ्स, आप ऐसे कोई 5 प्रोडक्ट्स देखना दैट यू हैव परचेज्ड, आउट ऑफ दोज 5 प्रोडक्ट्स जस्ट एनालाइज वेदर दे दोज प्रोडक्ट्स आर रियली ऑफ नीड, देन यू विल कम टू नो अबाउट द केवियर टेम्पटर। इज इट क्लियर बच्चे? यस मैम, एक्चुअली मैं ऑनलाइन फ्रॉड मेरे साथ भी हुआ है। मैंने कुछ प्रोडक्ट दिया था ऑर्डर, कुछ प्रोडक्ट आया, उसके बाद मैंने जब कॉन्टेक्ट किया दे आर पूरा भैदिश ऐसा पूरा। नागपुर में होता है मैडम। सो ऑनलाइन इज वेरी रिस्की। ऑनलाइन इज ऑल्सो वेरी रिस्की बट ऑफलाइन भी यू जस्ट गो यू टू द मॉल, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स यू विल परचेज नो दोज यू विल लेटर ऑन यू विल रियलाइज ओ आई डिडंट नीड इट, होता है ऐसा, बिकॉज देर आर अबंडेंस ऑफ प्रोडक्ट्स एंड ह्यूमन बींग इज बाउंड टू सी देम, और अगर आप देख लेते हो कोई अच्छा लग गया तो उसका नहीं देखोगे कि उसका नुकसान है फ़ायदा है क्या है, बट आप ले लोगे, स्पेशली जब ऑफर्स वाले प्रोडक्ट्स होते हैं। तो जस्ट अंडरस्टैंड कि आज अगर हम फ्लिपकार्ट सेल की बात करते हैं तो 4 मिलियन यूजर्स हैव अप्लाइड फॉर दैट सेल विच वर रिसेंटली लॉन्च, मंत्रा के 4 मिलियन है। तो हम सेल का एक वेट करते हैं, सेल के जो नथिंग इज फ्री, नथिंग इज एट डिस्काउंट, वी नो अबाउट इट, और जेन्युइन सेल्स आर वेरी वेरी लेस, बट बायर्स आर हैविंग दैट क्रेप टू गेट इन टू दैट काइंड ऑफ सेल। येस दिस इज वॉट केवियर टेम्पटर स्टेट्स, दिस प्रिंसिपल स्टेट्स कि बायर हैज़ टू बी वेरी वेरी कॉशियस, बी अवेयर ऑफ द बायर बिहेवियर बिफोर बाइंग, यू जस्ट केयरफुली एनालाइज वेदर दैट प्रोडक्ट इज ऑफ नीड नंबर वन, वेदर दैट प्रोडक्ट इज रियली फ्री, वट आर द टर्म्स एंड कंडीशंस टू गेट दैट प्रोडक्ट फ्री। कई बार होता है ना जैसे एस्ट्रिक मार्क, दिस दिस प्रोडक्ट इज ऑफ 500 रुपीज़ बट यू हैव टू परचेज 4 मोर प्रोडक्ट्स, बात वहीं बराबर आ गई, राइट? 500 प्रोडक्ट देके जो एस्ट्रिक मार्क लगा रखा है सेलर ने, वो कहीं ना कहीं दैट इज समथिंग मेकिंग यू अवेयर, राइट? यस बच्चे, इज इट क्लियर? यस यस मैम। ओके ओके यस मैम, यस मैम। ओके ओके सो आई बिलीव दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। नाउ अंडरस्टैंड वट आर द एक्सेप्शंस, मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ केवियर टेम्पटर इज अ प्रिंसिपल वेयर बाय दे आर स्टेटिंग दैट बायर मस्ट बी वेरी वेरी कॉशियस, लेट द बायर बी अवेयर। ओके नाउ लुक एट द एक्सेप्शंस, वट आर द एक्सेप्शंस ऑन टू विच दिस रूल इज नॉट एप्लीकेबल। ये वर्ड का मतलब क्या है,
कि दिस डॉक्ट्रिन ऑफ कैवियट एम्प्टर इज नॉट एप्लीकेबल.